कैसे हैं आप बढ़िया तुम बताओ क्या हाल है बस बढ़िया आप क्या कर रहे हो कुछ नया आ, रहे? नया आ रहा है नया आ रहा है आपको पता है नया क्या आ रहा है नया है नथिंग बिकॉज ऑफिशियल uh, हो गया है नथिंग फोन टू जो है वो लॉन्च हो रहा है 11 जुलाई को काफ़ी एक कॉन्फिडेंस क्या है मतलब सोचा समझा मूव है नथिंग का कि एक साल बाद एग्जैक्ट एक साल बाद अभी आ रहा है फोन 12 जुलाई को नथिंग फोन वन आया था तो वही नया आने वाला है और बस फिर देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहेगा उस फोन की लेकिन फिलहाल के लिए आपको आपके सवालों के जवाब देने का टाइम आ चुका है जो आपने पूछे थे हैश टैग यूज़ करते हुए तो वही देने वाला हूँ इस वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है जल्दी से आगे बढ़ते हैं चलिए शुरू करते हैं

अनुराग जानना चाहते हैं कि थर्टी थाउजेंड के बजट में इस Google Pixel 6a द बेस्ट और आर देयर बेटर ऑप्शंस कहां कौन सी दुनिया में कैसे क्या चल रहा है अनुराग आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं Pixel 6 से भैया बहुत पुराना हो गया एक टाइम पे अच्छा फोन हुआ करता था बट आज की डेट में यार ऑप्शंस और और बहुत सारे हैं मोट्रोला का एच फोर्टी काफी अच्छा ऑप्शन है आईकून न्यू सेवन देख सकते हो गेमिंग का अगर आपको शौक लगता है तो सैमसंग कर सकते हो अगर तो एफ फिफ्टी फोर जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है नथिंग फोन वन आपको मिल जाएगा उसके कम में मतलब गूगल का फोटोग्राफी में एडवांटेज है बट उसके अलावा यार इट्स आउटडेटेड नाउ एच फोर्टी में बोलूंगा आपको एक ऑलराउंड अच्छा फोन मिल सकता है उस प्राइस में दान जानना चाहते हैं कुछ नथिंग का एक्सक्लूसिव आ रहा है आपके चैनल पे कब तक आएगा समथिंग स्पेशल अबाउट नथिंग इतना तो पता है कि आने वाला है कुछ आएगा भाई ज़रूर आएगा अभी लॉन्च पे थोड़ा सा टाइम है तो एक क्या दो क्या मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी थोड़ा 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 सबर करो गौरव जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू क्या 2023 में आईफोन 12 लेना सही होगा यार डिपेंड करता है कि इस प्राइस पे तो मिल रहा है आपको फ़ोन सही है आई फोन टवेल्व में अच्छी बात ये भी है कि फ़ोन जो है वो फाइव जी को सपोर्ट करता है तो ऐसा भी नहीं है कि आप पुराना कुछ आई फोन इलेवन या और कुछ पहले का ले रहे हो तो आई फ़ोन ट्वेल्व इज़ गुड इवन इन दैट रिगार्ड परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी है मतलब फ़ोन अच्छा है आई फोन टवेल्व प्राइस अगर आपको अच्छी मिल रही है तो ले सकते हो अभी के लिए भी बिकॉज आपको आने वाले कम से कम मैं बोलूँगा तो uh, तीन साल का और आपको सपोर्ट मिलेगा

तुम्हारा एक बार मेरे को फोन कैच करवाओ यहाँ पे वहीं से फेंक के एज इट इज ये ये कवर है भाई मेरे को पता कौन सी कंपनी का है लेकिन मैंने आज ही देखा कि ये आई फोन थर्टीन है ना ये भी हाँ जी हाँ तो आई फोन थर्टीन के ऊपर एक कवर लगा रखा है और भाई ये कवर जो है ना मैं इसको निकालू ये ये ऐसा कवर है कि मतलब अच्छा इसमें लेयर भी है ओहो हो अरे भगवान इसको तो करना पड़ेगा तो भाई ये टू पार्ट वाला कवर है ये नाजुक त्वचा इसकी और ये इसकी इसका मजबूत खोल <laughs> ये एक अलग विशेष प्रजाति का जानवर है इसके पास में ऐसी विशेषताएं मौजूद हैं और आप इसको ऐसा लगाते हो और फिर आप फ़ोन को लगाते हो ऐसा तो प्रोटेक्शन तो पूरी करेगा हाँ फ़ोन थोड़ा गर्म हो सकता है बिकॉज़ हीट डिसिपेशन का इशू हो सकता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा कुछ पतला कवर देखो ये फ़ोन लो वापस गिर भी गया तो क्या बड़ी बात है कवर लगा रखा है तो कुछ ऐसा पतला कवर देखो जो थोड़ा सा मतलब आपके फ़ोन को प्रोटेक्शन भी कर दे ठीक ठाक और हीटिंग के अंदर कोई दिक्कत ना दे जहाँ तक बात है फेस टू फेस मिलने के लिए तो भाई सही टाइम पे सही समय पे सही जगह पे होना ज़रूरी है हम दोनों का तो मिल भी लेंगे सुजीत जानना चाहते हैं गुरु जी इज रेट ट्रेसिंग गेमिक और रियल आई मीन विल इट बी ऑन सिलेक्टेड एप्स और गेम्स और एनी रियल वर्ल्ड यूज ऑल्सो टेल इफ स्मार्टफोन कंपनीज विल प्रोवाइड सेटिंग फॉर एनेबलिंग मैनुअल रेट ट्रेसिंग इन गेम्स Do you think MSA should be given in setting now? HD is supporting it. Ray tracing tracing uh, developers develop games take full advantage of ray tracing. because latest chipsets support कर रहे हैं बट अभी गेम्स का आना बाकी है. तो एक बार गेम्स आएंगे तब हमको मजा मिलेगा बट देन अगेन मोबाइल गेमिंग क्योंकि छोटे स्क्रीन पे होती है कई बार आपको इतना कहाँ मजा मिलता है ना मतलब कॉन्सोल्स या प्रॉपर पीसी गेमिंग के अंदर तो को एकदम नाइट एंड डे डिफरेंस भी दिख जाता है रेड्रेसिंग के साथ बट मोबाइल फोन पे आपका एक्सपीरियंस कर पाना बहुत अच्छे लेवल पे वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है श्रेयस पूछ रहे हैं डू यू थिंक एपल विजन प्रो कैन बी एज बेटो इट विल्स हमेशा नहीं रहेंगे हमारे बीच में इवेंचुअली फोन खत्म होने वाले हैं तो ऐसे ही डिवाइस होंगे वो चाहे ऐसे स्मार्ट ग्लासेज हो एप्पल विजन प्रो जैसा कोई सिस्टम हो कुछ अपने ब्रेसलेट पहन लिया है वट एवर बिकॉज मोबाइल फोन्स तो आगे फॉर नहीं रहने वाले हैं तो वो तो खत्म होंगे ही होंगे तो एप्पल के लिए ये सही मूव है और ये वो एक डिवाइस होगा जो सारे डिवाइसेस की ताकत को एक साथ कंबाइन कर सकता है मतलब आपका आईफोन हो गया मैकबुक हो गया आईपैड हो गया हिट तो बहुत बड़ा होगा अभी खैर देखो जस्ट पहले वाला ही आ रहा है तो देखते हैं आगे चल के और क्या रिस्पॉन्स मिलते हैं

आप बात कर रहे हो Samsung के 25000 के फोन की तो आई थिंक थोड़ा सा पैसा बढ़ाओ अगर बढ़ा सकते हो तो F54 देख सकते हो नया फोन है और काफी अच्छी आपको चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर बट थोड़ा सा बजट ऊपर लेके जाना पड़ेगा एके कह -एक है रहे हैं student, I need tablet for study, budget under 30, आई एम स्टूडेंट आई नीड टैबलेट फॉर स्टडी बजट अंडर 30 के प्लीज टेक माय क्वेश्चन iPad जो मिलता है उस बजट में iPad

है ये ना हमको कई बार लगता है कि संभाल कर रखेंगे तो स्क्रैच नहीं आएंगे लेकिन स्क्रैच बहुत ईजिली आ जाते हैं बिकॉज इन्वायरमेंट में इतनी डस्ट वगैरह होती है कई बार कुछ धूल मिट्टी नहीं लगा तो वो स्क्रैच ईजिली फोन को दे देगा तो अब आप अभी तक अगर यूज़ कर रहे हो बिना बहुत चल रहा है तो ठीक है बट अदरवाइज अगर आपको चाहिए फोन आपका नया नवेला रहे तो स्क्रीन गार्ड यूज़ कर सकते हो अगला सवाल है व्हाट वी नो अबाउट एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा सोफार एंड एक्सपेक्ट भाई भी तो बहुत टाइम है आने में फेबर के महीने में आएगा गया अगले साल अभी तो मतलब थोड़ी बहुत ही लीक्स आए हैं कि फोन के अंदर 200 सौ मे का कैमरा होगा और मतलब वही बात है ना देखो एपिक 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 करते करते सैमसंग यहाँ तक तो आया है तो अगला जो फोन है वो डेफिनेटली इससे तो लेवल अप ही जाएगा अब वो कितना लेवल अप होगा वो देखने वाली बात होगी बिकॉज लास्ट फ्यू जनरेशन अगर हम देखें सैमसंग की या एप्पल की भी फॉर एग्जाम्पल तो हमको हल्के हल्के इंक्रीमेंटल अपडेट्स मिले हैं

ओ का मतलब मेरे ख्याल से आप स्किन की बात कर रहे हैं अदरवाइज तो मोबाइल फ़ोन में तो दो ही है ना आई और एंड्रॉयड तो उसमें क्या बेस्ट क्या वर्स्ट मैं दोनों यूज़ करता हूँ इनफैक्ट लेकिन आप अगर सवाल आपका एंड्रॉयड के जो ये अलग अलग आते हैं आपका जैसे ब्रांड्स के उनका सवाल है तो मैं बोलूँगा कि मेरे को सैमसंग का वन यू काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली बिकॉज़ uh, अच्छे फीचर्स हैं वेल ऑप्टिमाइज्ड है और काफ़ी पॉलिश है Uh, अगर आपको क्लीन लुक चाहिए तो फिर आपको दूसरे जैसे मोटोला के फोन्स में होता है या वन प्लस में होता है वो भी मिल सकता है ऑप्शन बट मैं प्रेफ़र करता हूँ सैमसंग का वन यू आई और वर्स में तो फिर क्या बोलें एक थोड़ी ना फिर तो लिस्ट भरी पड़ी है पता ही है आपको एड यू आई और ये यू आई जो तरह तरह के होते हैं भाई आई कॉन्ट स्टैंड इट मतलब कंपनी फ़ोन बनाए चमचमाता हुआ हीरे मोती लगा हुआ लेकिन अगर अंदर लगा देगी अपना मी यू आई तो फिर मतलब छोड़ो राहुल पूछ रहे हैं आईफोन फिफ्टीन प्रो मैक्स में क्या सर इसमें एट के वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा और क्या ये बी बी डी सेल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में देखने को मिलेगा 2023 में आई 15 मिले तो लेकिन मिले न्या -न्या गा लेकिन ज़्यादा कुछ डील डिस्काउंट नहीं मिलेगी बिकॉज नया नया फोन आया हुआ होगा उस टाइम पे और 8K का ऑप्शन शायद हो सकता है यार बिकॉज ऑलरेडी अपल के पास में हार्डवेयर है 48 एट का तो 8K वीडियोस रिकॉर्ड हो सकती हैं बट क्वेश्चन क्या है ना कि एट अब ये देखना होगा कि बिकॉज जो बाकी दो बारा -बारा के दो कैमराज हैं वो बारह बारह मेगा के हैं अपल के पास में अल्ट्रा वाइड और जूम वाले और बारह मेगा में अपन एट रिकॉर्ड कर नहीं सकते तो अगर एप्पल एट का ऑप्शन दे तो एप्पल बीइंग एप्पल शायद एप्पल ये सोचे कि भाई फिर आप एट के वीडियोज़ को ऑल अक्रॉस नो अल्ट्रा वाइड के अंदर भी रिकॉर्ड कर पाओ टेलीफोटो के अंदर भी कर पाओ तो वो तो अभी अपन कर नहीं पाएंगे तो अभी एप्पल के ऊपर है कि क्या हमको केवल एक जो प्राइमरी कैमरा है उस पर एट का ऑप्शन दे दे और बाकियों पर ना दे या फिर वेट करें आने वाले अगले आईफोन का जब हो सकता है बाकी कैमराज जो हैं वो भी हाई मेगा वाले हों ताकि फिर सब में एट के मिले लेट्स शुभाषीष पूछ रहे हैं लावा ने इतना अच्छा फोन अंडर ट्वेंटी के निकाल लिया तो दूसरे ब्रांड ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते भाई अगर आप बाकी दूसरे ग्लोबल जो दूसरे ब्रांड्स है उनकी बात कर रहे हो तो वो तो एट टाइम्स काफी हमको अच्छी स्पेक्स दे अच्छी स्पैक्स देते हैं अच्छी प्राइस में इंडियन ब्रांड्स जो है उसमें तो भैया फिर लावा ही चमक रहा है अकेला और क्या कर सकते हैं बट ये अग्नि इज डेफिनेटली अ गुड फोन एंड लाइक नॉट ईजी फॉर ब्रांड्स टू अचीव दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन दिस प्राइस ब्रैकेट आखिरी सवाल है मंदास की तरफ से वो पूछ रहे हैं वन प्लस नॉट बट्स टू म्यूजिक लिसनिंग और जिम वर्कआउट के लिए अच्छा रहेगा एट थ्री थाउजेंड रुपीज हाँ ठीक है भाई नॉट बर्ड्स टू आप ले सकते हो तीन हज़ार दो हज़ार बेसिकली नॉट के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे आपको आ, लेकिन मैं ना पता नहीं क्यों जिम अगर आप करोगे ना तो मैं आपको नेक बैंड रिकमेंड करूँगा यार आप ना बर्ड्स यूज मत करो मतलब कर सकते हो ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ बट मैं सोचता हूँ कि शायद नेक बैंड एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है बिकॉज अगर आप जिम कर रहे हो ना तो आपने नेक बैंड पहना है तो वो कान से ना गिरेगा ना कुछ आपने मतलब नो इट्स ईजी फॉर रनिंग अगर आप कर रहे हो ट्रेडमिल पर आप दौड़ रहे हो तो आपने नेक बैंड पहना है तो मेरे ख्याल से

फलावड़ों में इतना ही जय हिंद वंदे मातरम